नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और वाराणसी से इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब गंगा की लहरों पर नजर जाती है और शाम का वक्त होता है और काशी का जिक्र आता है तो क्या याद आता है? गंगा आरती, गंगा की लहरों पर प्रवाहित किए गए टिमटिमाते हुए जगमग लाखों दिए, देव दीपावली, जब ऐसा लगता है कि दो तरह के तारे इस वक्त चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, कुछ तारे जो आसमान के ऊपर हैं और कुछ तारे जो आज गंगा की लहरों पर टिमटिमा रहे हैं। तो ये खूबसूरती काशी की तस्वीरों के माध्यम से आपने देखी होगी, लेकिन बात जब तारों और सितारों की होती है तो सितारों से कनेक्शन हर किसी का निकल आता है। लोग आसमान में तारे देखते हैं शांति के लिए, कुछ लोग तारे गिनते भी हैं, तारे गिनने के पीछे भी कई तरह की कहानियां हैं और इन तारों की गणना भी होती है। इन तारों का क्या जीवन पर भी असर होता है, इनको पढ़ के क्या जाना जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए आज खास मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ पंडित ऋषि द्विवेदी जी हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पंडित निर्जानंद जी महाराज है, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ आचार्य भक्त वत्सल जी है, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। लोगों के बीच में चर्चाएं बहुत हैं, गणनाएं बहुत हैं, कोई अपनी मैथ्स लगा रहा है तो कोई अपनी साइंस लगा रहा है, कोई सेफोलॉजी के माध्यम से प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन काशी में जब लोग आते हैं तो अपने अपने तारे भी पढ़वाते हैं। तो आज काशी में गंगा की लहरों पर हम ये जानते हैं कि काशी के सितारे क्या कहते हैं, देश के तारे क्या कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सितारे भी आपने देखे हैं क्या? मोदी और काशी का ये साथ कब है, क्या कह रहे हैं सितारे? इनके कुंडली में अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी जी कुंडली में 29 प्रकार के राजयोग है। 29 प्रकार के राजयोग, मुझे लगता है कि एक आम आदमी जो है वो केवल एक शब्द जानता है राजयोग, इसके भी प्रकार होते हैं। और जिस उस राजयोग में भी सबसे बड़ा राजयोग जो है वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्न से केंद्र में लग्न से केंद्र बृहस्पति और चंद्रमा, ये गज केसरी योग। वही पंचमेश बृहस्पति केंद्र में और दशमेश सूर्य जो है आय भाव बैठा हुआ है और पंचम भाव को देख रहा है, तो सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि मंगल लग्नेश का लग्न में बैठना यह प्रथम प्रकार का राजयोग होता है। भाग्येश का लग्न में बैठना द्वितीय प्रकार का राजयोग होता है। मतलब एक आम भाषा में अगर हम समझें तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि काशी और मोदी का साथ अभी बहुत लंबा चलने वाला है और देश का जो नेतृत्व है वो और मोदी जी एक दूसरे के पूरक रहे। जी बिल्कुल, देखें आज हम लोग माँ गंगा की गोद में है, काश्याम मरणान मुक्ति और गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, दोनों का संगम कराती उत्तर वाहिनी माँ गंगा की गोद में हम लोग बैठ के कुंडली का देख रहे हैं। तो निश्चित रूप में आने वाला समय जो है, क्योंकि काशी, अब अगर हम ज्योतिष के आधार पर मोदी कुंडली को देख रहे हैं तो, और वही काशी के विकास की बात करें तो देखिए ना कितने, मतलब मोदी जी में चतुर्थिक विकास कराने के जो योग होते हैं वो कुंडली बने हुए। विकास कराने का योग, आपके कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम रखे रहने का योग है कि वो सक्षम रहेंगे, कि वो अब सांसद रहेंगे तो विकास। बिल्कुल, देखिए अगर कुंडली में तमाम तरह के योग होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत योग वो होता है जो लग्नेश का लग्न बैठना। इसका कारण ये होता है कि विल पावर, आत्मबल को बहुत मजबूत करता है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री बने, भले ही विपक्ष कुछ भी करता रहा, लेकिन मोदी जी जो चाहे वही हुआ। और देख रहे हैं कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे तमाम तरह के मुद्दे रहे, मतलब वो मुद्दों के साथ डटकर खड़े रहे और उन्होंने जो कहा वो किया। आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी, आप क्या सितारे पढ़ पा रहे हैं देश को लेकर, हमारे बहुत से राजनेता हैं उनको लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? ये चंद्र मंगल योग शुभ होता है और दशम भाव में शुक्र शनि भी शुभ है, ये धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि काशी का कायाकल्प, अयोध्या का मुद्दा सुलझ गया, राम मंदिर बन गया और देश में मथुरा की चर्चा हो रही है और लोग उम्मीद भी ये करते हैं कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। हाँ, सब मुमकिन है, क्योंकि देखिए जो संत महात्मा होते हैं ना, कर्म से जन्म के ग्रह बदले जाते हैं, इनका कर्म इतना सात्विक है, इतनी तपस्या है इनका, कि अगर कोई अशुभ ग्रह भी होंगे ना इनके कुंडली में तो भी वो अच्छा उसका कार्य करेंगे, क्योंकि इनका कर्म इतना है, सात्विक है, धर्म के प्रति आस्था है, तो ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे। ये जन्म और कर्म की जो बात सामने आई ये बहुत दिलचस्प है, आपसे समझना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि भाग्य ने जो लिख दिया वो अटल है, पर क्या कर्म उसको बदल सकते हैं? जैसे महाराज जी ने जिक्र किया कि अगर कोई अशुभ ग्रह भी है तो देश के प्रधानमंत्री के जो कर्म है वो इतने सात्विक हैं, उनकी तपस्या और साधना में इतनी शक्ति है कि वो अशुभ फलदायक हो ही नहीं सकता, मतलब भाग्य वाला पीएम एकदम।
अभी जैसे कि बोला उन्होंने कि कर्म जो है तो कर्म हमारा इतना प्रधान है, कर्म ही देखे हमारे जो है भगवान ने हम लोग को दिया, सभी चीज भगवान ने देखा जाए तो अपने पास ही रखी, हम लोग के पास जो मुख्य रखा वो कर्म ही रखा। कर्म जो है हमारे भाग्य को पूर्ण रूप से बदलता है, कर्म ही से देखे भगवान कहते ना कर्मण्य वाधिकारस्ते, तो कर्मण्य मतलब कर्म करो फल की चिंता, कर्म करो तभी तो भाग्य बदलेगा। और भाग्य के भरोसे आपको इतना मैं बता दूं, आपके सामने एक भोजन की थाली रखी हो और आप कर्म ना करें हाथ ना चलाएं तो क्या वह भोजन आपके मुख में जाएगा? तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, हमको अपना हाथ जो है वह चलाना पड़ेगा। इसी तरह हमको अपने मतलब ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कर्म के धनी है, कर्म प्रधान है जी। इसीलिए जो वो चाहते हैं, जो वो ठान लेते हैं वो संभव हो जाता है एकदम। वो दृढ़ संकल्पित अपने कर्म के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। राज्य अब तो राज्य बढ़ गया है, मतलब क्षेत्र का जो विस्तार होता है उसका कारक सूर्य होता है। अगर इन तीनों का समावेश अगर हो रहा हो और लगने संग बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति वैश्विक नेता होता है जो विश्व पटल पे अपने आप को सर्वोच्चता पे ले जाने वाला होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है राहु मंगल बृहस्पति, 29 प्रकार के जो राजयोग है, इन योगों का प्रभाव देखिए। आप 2014 के बाद से मोदी जी ने जो कहा वो किया। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में जो उन्होंने कहा वो किया, चाहे स्वच्छता का रहा हो, चाहे किसी भी मुद्दे को देख लीजिए। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं जो आज देख रहे हैं कि विश्व पटल पर भारत को अग्रिम पंक्ति में इन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ, भारत की जय जयकार चारों तरफ हो रही है। आज देख अभी आप देख लीजिए इसराइल जो है भारत से मदद मांग रहा है, इस कंडीशन में भारत आ गया तो निश्चित रूप से मोदी जी कुंडली में, चूंकि बिना मंगल को हम अपने ज्योतिष में युवा ग्रह मानते हैं, राजपुत्र है ये, और मंगल के बिन चूंकि जैसे नायक होते हैं, मंगल प्रधान व्यक्ति समाज का नायक होता है, और चूंकि मोदी जी कुंडली में मंगल लग्न बैठा हुआ है तो मोदी जी विश्व के नायक है। आज उसका प्रभाव दिख रहा है कि पाकिस्तान को देखिए, इन्होंने कुछ किया नहीं, पाकिस्तान अपने आप नीचे, बांग्लादेश को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, भारत के जो भी शत्रु राष्ट्र रहे हैं उन सबों को देख रही है। चूंकि मोदी जी कुंडली में एक योग भी है, शत्रुहंता योग है, मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है भारत के सामने। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। बेशक आपने दूसरे देशों के संबंध में बात कही, लेकिन देश की राजनीति से ही इसको जोड़ करके देख लेते हैं कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए तरह तरह की राजनीतिक और रणनीतियां हमने देखी अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन कोई डिगा नहीं पाया। बहुत तरह के आरोप लगे, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जैसे राफेल का मुद्दे का जिक्र आया था, कभी नोटबंदी उसको कहा गया कि वो फेल्योर है, जीएसटी के लिए कहा गया कि ये व्यापारियों पर जबरदस्ती लाद दी गई है, इससे वो बर्बाद हो गए हैं। और इस वक्त ये शो हमारा चल रहा है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड से देखिए ये आम जनता है, सवाल जवाब तो जारी रहेंगे, लेकिन ये पूरा एक ग्रुप है अपने फैमिली के साथ आया हुआ, और देखिए कैसे मोदी मोदी सभी लोग कर रहे हैं, बच्चे हैं वो हाथ हिला रहे हैं। बनारस में अगर हर हर महादेव का नारा लगेगा तो उसके साथ साथ मोदी मोदी भी सुनाई पड़ेगा। तो बनारसियों की ये जो आस्था है मोदी के अंदर, इसका कारण क्या है? देखिए उनका कर्म ही कारण है, उन्होंने ऐसा काम किया है ना काशी के लिए, काशी क्या पूरे भारत में ही कर रहे हैं, काशी के लिए विशेष है। आप देखिए विश्वनाथ मंदिर में पहले आप कभी आई होंगे तो देखा होगा, एक दो लोग से ज़्यादा जा नहीं पाते थे, आज 2-3 लाख लोग भी आ जाना तो आराम से दर्शन कर ले रहे हैं। ये सोच इनकी कुंडली के कारण ही है इतने प्रधानमंत्री हुए। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि 500-400 मकान ले के खरीद के उसको गंगा जी से जोड़ दिया जाए, किसी के विषय में आया नहीं। ये जो धार्मिक प्रवृत्ति की इनके विचार हैं मोदी जी के, वही उनको सफलता दिला रहे हैं। देखिए इतना बहुत मुश्किल कार्य था ये कॉरिडोर बनना, लेकिन कितनी सफलता मिल गई, क्योंकि उच्च ग्रह रहेंगे तो जो दोष होगा, जो बाधा होगी अपने आप टल जाती है। कोई ऐसा भी सितारा या ग्रह है जो मजबूत दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और संकल्पित रखता है? हाँ देखिए मंगल, देखिए क्षत्रियेंद्र ग्रह मंगल है, वो अग्निकांड वगैरह मैंने करता है, मंगल का काम है। और शनि जो है वो इस समय मंत्री है और मंगल राजा है, तो मंगल और शनि आपस में पटेगा नहीं,
दोनों शत्रु ग्रह हैं, हैं? लेकिन मंगल का वर्चस्व इनका जो कुंडली के हिसाब से इनको प्रबल है, इनका कोई भी काम रुकेगा नहीं। इनका भाग्य ऐसा है ना, और भाग्य के साथ साथ इनको जो जनता का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा काम आता है। तो क्या कह रहे हैं सितारे? मैं आसान भाषा में पूछूं तो क्या देश के पीएम बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से? राहुल गांधी के भी क्या सितारे कह रहे हैं? देखिए, अब हम बात करते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। देखिए, तुला लग्न धनु राशि की कुंडली जो है राहुल गांधी जी की है। वर्तमान में राहु की महाशा चल रही है। राहु की महाशा में ही बृहस्पति का अंतर 15/12/2021 से 9/5/2024 तक राहु में बृहस्पति का अंतर बना हुआ है। तो देखें, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे अध्ययन करें तो देखें तो पहले से राहुल गांधी कुंडली जरूर मजबूत हुई है, पहले से तुलनात्मक तौर पे मजबूत जरूर हुई है, लेकिन इतना भी तुलनात्मक रूप में इतना मजबूत नहीं हुआ जो कि नरेंद्र मोदी जी को पछाड़ पा में। ठीक है, पहले से स्थितियाँ कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी की स्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है और वो बहुत आगे है। सब लोग अपना अपना आंकड़ा देने लग गए। कोई कह रहे नहीं नहीं 300 जाएंगे, कोई कह रहे अरे नहीं 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, कोई कहता है 250 के बीच में रुकेंगे। तो इसको भी लेकर क्या कोई गणना की जा सकती है कि कितनी सीटें आएंगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी? देखिए, उसके लिए कांग्रेस की और राहुल गांधी और बीजेपी और जो है उसको देखेंगे। तो बीजेपी की जो कुंडली बनी वर्तमान में बनी हुई है, वो बीजेपी कुंडली अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली है। इसमें चंद्रमा की महाशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि चूंकि जनतंत्र का कारक है और शनि भाग्यश भी है, तो भाग्यश और जनतंत्र का कारक और पंचमेश और इन तीनों का जो है महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में समग्र बैठा हुआ है। अर्थात सत्ता पे जब हम किसी चीज का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रत्याशी और पार्टी कुंडली का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कुंडली, उधर राहुल गांधी और कांग्रेस की कुंडली को देखेंगे तो निश्चित रूप में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन तुलनात्मक रूप में अगर देखेंगे तो कांग्रेस भी बढ़त को जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कुंडली सर्वोपरि है, मजबूत बनी हुई है। और पॉलिटिक्स में थोड़ा और सूक्ष्म रूप से बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? वो भी एक गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, उनके पार्टी की भी अपनी एक गणना है। उनका ये कहना है कि परिवर्तन की लहर चल रही है, हमारी सभाओं में भीड़ आ रही है, तो किस रूप में अब इसको देखा जाए, कैसे समझा जाए? जो सदस्य हैं, चाहे उसे ममता बनर्जी को मान लीजिए, चाहे राहुल गांधी को मान लीजिए, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें प्रमुख रूप से अखिलेश यादव कुंडली सबसे मजबूत है। तो निश्चित रूप में अखिलेश यादव की कुंडली भी वीक नहीं है, लेकिन बताया बस वही बात आगे फंस जाती है, क्योंकि सर्वोपरि जो है वो मोदी, मतलब मोदी जी के सितारे आप कह रहे हैं कि इतने मजबूत हैं या ग्रह इतने मजबूत हैं कि कोई लीडर कितना भी जोर लगा ले बढ़त हासिल करेगा, लेकिन जो पीक है वहाँ पर मोदी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मोदी जी को कोई चैलेंज देके देखे, मोदी जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये उनका मंगल सर्वसिद्धि रेखा, और चूंकि जो उनके मस्तिष्क रेखा पर, मस्तिष्क रेखा मतलब जो भी आदमी सोचता है, जो एक दूरदर्शिता होती है, विजन, वो मोदी जी के अंदर में है। राजयोग में भी एक योग आता है गज केसरी योग, बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसा। मतलब आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ देश का नेतृत्व, एक वर्ल्ड लीडर के शख्सियत की कुंडली में ऐसा योग होता है। हाँ। और अंत में मैं चाहूंगी जाते जाते आप प्रधानमंत्री मोदी, भारत, काशी को लेकर अगर कुछ कहना चाहें, कोई खास गणना या ये सब कुछ अध्ययन करते हुए जो कोई खास तथ्य अगर निकल कर आया हो आपके हिसाब से, तो क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हम यही बताना चाहेंगे कि देखें अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है, काशी कुंडली देखिए, भारत की कुंडली देखिए, और तमाम सूक्ष्म स्तर पे मैंने तमाम कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया है, उन कुंडलियों के रिसर्च के आधार पे हम यही कह सकते हैं कि अभी देश का बहुत विकास होना है, अभी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी आने वाले समय में देश हमारा विश्व स्तर वैश्विक पटल पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। एक हम भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में सर्वोपरि जाने का जो योग है वो समय आ गया है। अब मतलब विकास के जिस रथ पर भारत है, आप बताना चाहते हैं कि उसके सारथी अभी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी उनके रहने का योग है और भारत का विकास का योग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जनता तय करती रहे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।